at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. कोंडागांव को खूबसूरत बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। इनके ऊपर बहुत सारा शॉर्ट मूवी और डिस्कवरी वगैरह हो चुका है। यात्रा करने के बाद फाइनली मैं नारायणपुर चौक पे पहुंच गया हूं। यहीं से आप नारायणपुर गांव की तरफ घुस सकते हैं। ये चौक है और ये पूरा रास्ता नारायणपुर का है। नारायणपुर पूरा ट्राइबल इलाका है, आदिवासी एरिया है, और मैं भी ये जगह घूमना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मुझे कहीं और पहुंचना है, तो फिर कभी हम नारायणपुर एक्सप्लोर करेंगे। आज जगह नहीं होगा। इंडिया जिंदाबाद। ये बैग बहुत बड़ा है। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? कौन सा गाँव? 3 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। मेरे को लास्ट यहाँ जाना है, वो फॉरेस्ट गांव है ना, वहीं जा रहे हैं। हाँ तीरथगढ़। अरे हाँ, रुको बैठ।
सो दोस्तों, ये सब स्टूडेंट लोग हैं और इनमें से ये गुड़िया है जो तीरथगढ़ में हम लोगों का मुलाकात हुआ था, और ये ब्रो भी है, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे इन लोगों को, और ये भैया भी है, जिंदाबाद। और हम जा रहे थे कि ये लोग गाड़ी घुमा के लेके आए मेरे लिए स्पेशल, साथ में जाएंगे बोल के, और जगह नहीं था, लेकिन ये लोग सब एडजस्टमेंट करके बैठे यार, मेरे को इतना प्यार दे रहे, सबको बहुत बहुत थैंक्स। मिलके बहुत अच्छा लगा, घर पे भी बोलना भैया से मुलाकात हुआ था। तुम भी जाओगे? चलो बाय 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 सभी को। आपका नाम? अरे वाह, और कौन सी क्लास के? 12th। क्या बात है यार, सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। ओहो, तब कोई लेन देन नहीं है भाई मैथ से, मेरे को लगा ज्योग्राफी बड़ा अच्छा है, तो होगी आर्ट्स ज्योग्राफी की। हम लोग जयपुरा से वाले हैं। जी जी जी, जयपुरा से। हम सब जयपुरा से। अच्छा, हम सब एसटी हैं। मैं जनरल वाला हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, भैया को प्यार देते रहना। हाँ, जगह का नाम क्या बोले? टाटामारी केस्टा। केस्टा, ठीक है। टाटामारी तो कल उधर जाऊंगा मैं। आप एक्सप्लोर करें वहीं पे। हाँ, ये नहीं, टाटामारी में नहीं है। हाँ, आपका ये हो गया पुएमारी। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप वो पास वो भी है आपका शिव मंदिर। ठीक है, मतलब ये नीचे में है। हाँ, हाँ, मंदिर हाँ। मतलब मंदिर बना हुआ नहीं है। हाँ, वो क्या जो अपना शिव जी का जो मूर्ति है ना, मूर्ति हाँ, नहीं मतलब वो कुंड वाला पत्थर वाला। हाँ, वो आप ही आप बढ़ रहा है। अच्छा, अपने आप पर। तो दोस्तों, फरेश गांव में हम लोग पहुंच गए हैं, और चलिए चलते हैं और यहां का बाजार वगैरह भी घूम लेते हैं। ये कौन सा मशरूम है? कितने करके हैं? ये 50 रुपए पाओ। ये जंगल में इसे उगता है नहीं, फिर खेती करते हैं। इतना बड़ा मशरूम मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों। अपने कुएं मारी जाओगे ना, वहाँ पे वाटरफॉल। हाँ, तो यहाँ का जो बाजार है ये सिर्फ शुक्रवार को लगता है, और ये छोटा बाजार है। संडे को बड़ा बाजार लगता है, वहाँ पे हर एक तरीके का सामान मिलता है, और शुक्रवार को जो बाजार लगता है ये सिर्फ छोटा मोटा ही सामान मिलता है, साग सब्जी वगैरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बड़े वाले बाजार में सेल्फी वगैरह सारी चीज़ें मिलता है। मैं सोच रहा था कि आज पीऊँ यार, क्योंकि उस टाइम मैं पिया नहीं था, और मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ यार टेस्ट करना चाहिए, लेकिन टेस्ट नहीं कर पाया था। फिर कभी, अभी तो छत्तीसगढ़ काफ़ी दिनों तक मैं एक्सप्लोर करूँगा, तब इन सब चीज़ों का ट्राई करूँगा। ठीक है, बाय। होगा तो कल मिलेंगे, उधर ही जाएंगे। ठीक है, नंबर आपके पास ही है। बाय। हाँ हाँ ठीक है। दोस्तों, ये ढाबा आप दो तरफ से आ सकते हो, ये रायपुर की तरफ जाता है और ये रास्ता जगदलपुर की तरफ, और यहाँ पे ये लोकेशन दिया हुआ है इस ढाबा का। तो ये ढाबा पे आएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मैंने भी यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया, अब रात को भी यहाँ पे भोजन करके आज रात को मैं इसी ढाबा पे रुकने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर आइएगा।